हाई फ्रेंड्स वेलकम टू क्रिक्सर डॉट कॉम टुडे वी विल टॉक अबाउट द सेम टेस्ट मैच विच इज़ ऑन गोइंग बिटवीन इंग्लैंड वर्सेज वेस्ट इंडीज़ द थर्ड टेस्ट मैच एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे इंग्लैंड इंग्लैंड स्टार्टिड बैटिंग फर्स्ट एंड देव मेड थ्री सिक्सटी नाइन रन इन रिप्लाई टू डेट वेस्ट इंडीज़ वर वन थर्टी सेवन फॉर सिक्स और उसके बाद वेस्ट इंडीज़ के लिए हालत जो हैं बहुत ही खराब हो चुके हैं ऑन द थर्ड डे दे वर एबल टू जस्ट लाइक फिफ्टी रन्स टू देयर सेकेंड डे स्कोर एंड दे वर ऑल आउट फॉर वन नाइन्टी सेवन सो थ्री सिक्सटी नाइन रन की रिप्लाई में वेस्ट इंडीज़ ने बनाए वन नाइन्टी सेवन रन और uh, जो ओवर नाइट प्लेयर थे होल्डर डाच uh, होल्डर uh, जो अपने थर्टीज़ में थे वो काफ़ी ज़्यादा देर तक चल नहीं पाए ब्रॉड बीन सेंसेशनल इन दिस टेस्ट मैच He took out, He took six wickets, and he is just one away from the magic figure of five hundred wickets. So England, uh, they batted. Uh, uh, they uh, started batted for their second innings, and in the second innings, they made two twenty-six runs for the loss of two wickets in fifty-eight overs. So थोड़ा उन्होंने को लगा कि batting तेज करनी चाहिए और But I think uh, uh, Root. Uh, स्पेशली काफ़ी अटैकिंग क्रिकेट खेला 56 बॉल में 68 एट रन्स और सिबली एंड बर्न्स बर्न्स ने सेंचुरी फिर से मिस की और वो आउट हुए नाइन्टी रन्स पर डोमिनिक सिबली लुक्स लाइक ही इज अ स्पेशलिस्ट टेस्ट बैट्समैन ही लाइक्स टू टेक हिस टाइम ऑन द फील्ड एंड ही प्लेड वन थर्टी टू बॉल्स फॉर इज फिफ्टी सिक्स रन्स दो द इंग्लैंड टीम नीडेड हिम टू प्ले अ लिटल फास्टर बट ही he is the batsman who plays in his zone uh, seems like so he was not in, uh, in any hurry and he took out his time and made a half century for his name so the final equation was in, uh, west indies now need 399 runs to win the test match and also to create history and uh, but the bad news for the west indies fans is they have already lost two wickets so, their scorecard reads 10 for the loss of 2 wickets. And uh, there is one slightly better news in this because there is one batsman uh, who is not a proper batsman who got out in that because he was sent as a night watchman. So, Kimar Roach uh, was uh, sent at the number 3 position. He made uh, just 4 runs. Campbell, who looks very stylish uh, in the field playing uh, some attractive shots, he was undone by Broad.

पर इस टेस्ट सीरीज़ में वो कुछ ज़्यादा कुछ खास कर नहीं पाए सॉरी क्रैक ब्रैथवेट ने फिफ्टी नहीं मारी थी क्रैक ब्रैथवेट वॉज आउट ऑन द वन रन ओनली सो क्रैक ब्रैथवेट शे होप देर आर सम बैटिंग शर्मा ब्रुक्स इज देयर चेज ब्लैक बोर्ड डॉरेज एंड होल्डर रैकीम कॉनवॉल इज एज गिवन द प्लेस इन इन प्लेस ऑफ अलजारी जोसफ तो उनके लिए भी रकीम कौनवाल के लिए भी ये टेस्ट मैच अभी तक कुछ खास रहा नहीं है ना विकेट मिले हैं ये जस्ट मेड आउट टेन रन इन द फर्स्ट इनिंग्स तो उनके पास भी काफ़ी अच्छा मौका है कि वो अपनी टीम के लिए प्रदर्शन करें और अपने चांसेस हैं उसको भी स्ट्रॉन्ग करें जिससे कि टीम में आगे उनको मौका दिया जाए सो वॉट स्पेशल हैपन ऑन द थर्ड डे वी कैन से नथिंग बट स्टूअ ब्रॉड ही इज़ जस्ट वन अवे फ्रॉम द फाइव हंड्रेड विकेट्स Uh, काफ़ी अच्छा एक्शन है उनका हाइट है उनकी और हमेशा ही जो है वो विकेट्स को टारगेट करते हैं एल बी डब्ल्यू एंड द क्लीन बोल्ड इज़ द लाइक मोस्ट नंबर ऑफ डिसमिसल्स यानी इज नंबर ऑफ विकेट्स ही इज गॉट सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर वेस्ट इंडीज टू सेव दिस मैच फ्रॉम हियर थ्री नाइंटी नाइन रन इन द फोर्थ इनिंग्स इट्स लाइक अ इम्पॉसिबल टास्क But we can expect some entertaining cricket from the West Indies. We can expect some uh, uh, attacking cricket from Jermaine Blackwood. And if he gets some help from Sharma Brooks, or even if Shea Hope gets his form back, then uh, uh, there can be something for West Indies fans in this uh, Test match to look out for on the day 4. So that's it uh, for now. We will uh, connect to you again on the fourth day. What will happen? And uh, up to that, uh, uh, keep subscribing us, keep loving us, and uh, that's uh, all it for now. Bye.